नमस्कार, मैं नितिन कुमार जांगिर, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, जीपीसी हनुमानगढ़ से। EE306 मशीन पार्ट सेकंड में आज हम बात करेंगे वाइंडिंग फैक्टर्स के बारे में। वाइंडिंग फैक्टर्स का एसी मशीन के इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर की बात की थी। उस इक्वेशन से ईएमएफ इक्वेशन पर वाइंडिंग फैक्टर्स का क्या इफ़ेक्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप ये देखिए, वाइंडिंग फैक्टर इज़ द मेथड टू इम्प्रूव, किसको इम्प्रूव करेगा? आरएमएस जनरेटेड वोल्टेज। आरएमएस जो जनरेटेड वोल्टेज हमें मिल रहा है इंड्यूस ईएमएफ के टर्म्स में, उसमें इम्प्रूवमेंट करेगा। अब ये कैसे इम्प्रूव करेगा देखना। सो दैट द टॉर्क एंड द आउटपुट वोल्टेज, इसका मतलब जो टॉर्क और आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है उसमें डज नॉट कंजिस्ट एनी हारमोनिक्स, मतलब उसके अंदर हारमोनिक्स नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, वाइंडिंग फैक्टर्स अगर हम इंक्लूड करते हैं तो जो हमें आरएमएस आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसके अंदर हारमोनिक कंपोनेंट रेड्यूस हो जाएंगे या एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी देखिए, वाइंडिंग फैक्टर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और कोयल स्पिन फैक्टर दोनों का प्रोडक्ट है। तो वाइंडिंग फैक्टर जानने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और कोयल स्पिन फैक्टर, इन दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम दोनों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोयल स्पिन फैक्टर के बारे में और फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD और कोयल स्पिन फैक्टर KC दोनों पता है तो आप वाइंडिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और कोयल स्पिन फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वाइंडिंग फैक्टर का मान पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कोयल स्पिन फैक्टर की। आइए देखते हैं, कोयल स्पिन फैक्टर को जानने से पहले हमें कुछ बातों का जानना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले है कोयल स्पिन, फिर है पोल पिच। कोयल स्पिन, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि दो कंडक्टर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक टर्न, और ऐसे बहुत सारे टर्न्स मिलकर क्या बनाते हैं, कोयल। और अगर उन सभी बहुत सारी कोयल्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो वह एक वाइंडिंग बनाती है। तो कोयल स्पिन क्या होता है, हमें पता है कोयल के दो साइड होते हैं। जैसे आप यहाँ, आपको यहाँ पे कोयल दिख रही है, तो कोयल के दो साइड है, ये लेफ्ट और ये राइट, जिसको हमने बोला कोयल साइड 1 और कोयल साइड 2। तो अब कोयल स्पिन की डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ ए कोयल, मतलब एक कोयल के दोनों जो कोयल साइड हैं, कोयल साइड 1 और कोयल साइड 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कोयल स्पिन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, एक कोयल के दोनों कोयल साइड का बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कोयल स्पिन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोल पिच की। तो पोल पिच क्या है, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल लाइन ऑफ वन पोल टू सेंट्रल लाइन ऑफ नेक्स्ट पोल, मतलब जो हमारे मशीन के पोल हैं जैसे एन पोल और एस पोल, उन दोनों के बीच में आपको ये डॉटेड सेंट्रल लाइन दिख रही है, ये और ये, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा पोल पिच कहलाता है। एक बात याद रखना हमेशा कि पोल पिच का मान हमेशा इलेक्ट्रिकल एंगल में दिया जाता है, और जो 180 डिग्री होता है, चाहे मशीन कितने भी पोल की हो, चाहे मशीन दो पोल की हो, चार पोल की हो, छः पोल की हो, पोल पिच का मान हमेशा ही 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे देखो N और S दोनों के सेंट्रल लाइन से, और हमने पोल पिच कैलकुलेट की। ठीक है, पोल पिच मतलब दोनों पोल्स जो कर्मागत पोल्स, याद रखना कर्मागत पोल्स, अगर मान लो किसी मशीन में चार पोल हो N, S, N, तो N और N के बीच का नहीं, N और S के बीच का, दो कर्मागत पोल्स के बीच के जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल एंगल में, वो हमारा पोल पिच कहलाता है। ठीक है, तो कोयल स्पिन क्या हो गई, एक कोयल के दोनों कोयल साइड का बीच का डिस्टेंस कोयल स्पिन, और पोल पिच क्या होगी, दो क्रमागत पोलों के बीच जो सेंट्रल लाइन है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा हो गया पोल पिच। उसके बाद हमें दो पॉइंट्स का जानना और बहुत आवश्यक है, पहला है फुल पिच कोयल और दूसरा है शॉर्ट पिच कोयल। फुल पिच कोयल क्या कहती है, ए कोयल हैविंग ए स्पेन इक्वल टू 180 डिग्री। एक कोयल, अगर किसी कोयल का जो स्पेन है
ये जो स्पेन है, यह हम इसे बोलते हैं कोयल स्पेन। अगर कोयल स्पेन का मान 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो जाए, या हम कह सकते हैं कि कोयल स्पेन हमारी पोल पिच के बराबर हो जाए, तो वह फुल पिच कोयल कहलाती है। वापस रिपीट करता हूँ, अगर कोयल स्पेन का मान पोल पिच के बराबर हो जाए, और पोल पिच का मान हमेशा 180 डिग्री होता है, हमें पता है, तो अगर कोयल स्पेन का मान पोल पिच के बराबर हो जाए तो वह हमारी फुल पिच कोयल कहलाती है। यहाँ पे देखो, कोयल स्पेन भी 180 डिग्री है और पोल पिच भी हमारी 180 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो गया, फुल पिच कोयल हो गई। ठीक है, और शॉर्ट पिच क्या कहलाती है, शॉर्ट पिच कोयल का मतलब ये हो गया, ए कोयल हैविंग ए स्पेन लेस देन 180 डिग्री। मतलब अगर कोयल स्पेन का मान 180 डिग्री से कम हो, ठीक है, और 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल क्या है हमारा, पोल पिच। अगर कोयल स्पेन का मान पोल पिच या 180 डिग्री से कम हो, कोयल स्पेन का मान पोल पिच से कम हो, या हम ये कह सकते हैं कि कोयल स्पेन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से कम हो, तो वह हमारी शॉर्ट पिच कोयल कहलाती है। यहाँ पे देखिए, पोल पिच तो 180 डिग्री ही है, लेकिन कोयल स्पेन, ये कोयल साइड वन और ये कोयल साइड टू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 180 डिग्री नहीं होकर 180 माइनस अल्फा है, इस अल्फा एंगल से कम हो गया, तो इसे हम बोलते हैं शॉर्ट पिच कोयल। ठीक है, अब इन दोनों कोयल का फायदा क्या है, एक बात और आप याद रखना कि शॉर्ट पिच कोयल को हम कोर्डेड कोयल या फ्रैक्शनल पिच कोयल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन हम बात करते हैं कि फुल पिच कोयल का या शॉर्ट पिच कोयल, इन दोनों में से किसी का फायदा क्या है, कोयल स्पेन का फायदा क्या हुआ, चलो ठीक देखते हैं। फुल पिच कोयल क्या होती है, फुल पिच कोयल में कोयल स्पेन का मान हमारे पोल पिच के बराबर होता है, इसमें ये फुल पिच कोयल का है, और शॉर्ट पिच कोयल के अंदर हमारे पोल कोयल स्पेन का मान पोल पिच के कम होता है, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कोयल स्पेन का मान 180 माइनस अल्फा, मतलब अल्फा डिग्री से कम किया हुआ है, इस अल्फा को हम बोलते हैं कोडिंग एंगल, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ याद रख लो, यहाँ पे कोयल स्पेन का मान 180 डिग्री है, यहाँ पे कोयल स्पेन का मान 180 माइनस अल्फा है। ठीक है, तो ये जो कोयल है, ये हो गई हमारी शॉर्ट पिच, ठीक है, और ये हो गई हमारी फुल पिच कोयल। एक बात और याद रखना, जो फुल पिच कोयल होती है उसके अंदर, इस कंडक्टर में मान लो इंड्यूस ईएमएफ EC1 है, और इस कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ EC2 है, तो जो हमारा टोटल इंड्यूस ईएमएफ होगा इस टर्न में, वो होगा हमारा इसका और इन दोनों का अर्थमेटिक सम। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ दो, तो यहाँ पे टोटल इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, EC1 प्लस EC2। और इस शॉर्ट पिच कोयल की बात करते हैं, तो हमारा पहला कंडक्टर, पहले कोयल साइड में इंड्यूस ईएमएफ है EC1, और दूसरी कोयल साइड में इंड्यूस ईएमएफ होना, अगर फुल पिच होती तो वो इसी डायरेक्शन में होती और दोनों ऐड हो जाते हैं, लेकिन चूंकि ये शॉर्ट पिच कोयल है, तो अल्फा डिग्री, अल्फा इस कोडिंग एंगल, इसे अल्फा को कोडिंग एंगल बोलते हैं, इस एंगल से हमने इसको शिफ्ट किया इतने डिग्री से, तो ये हमारा हो गया सेकेंड कोयल साइड जिसका इंड्यूस ईएमएफ EC2 है। ठीक है, और हमारा जो अब रिजल्टेंट या जो ईएमएफ EC मिलेगा, वो क्या मिलेगा, इन और इन दोनों का फेजर सम। ठीक है, फुल पिच कोयल में दोनों का अर्थमेटिक सम होता है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का फेजर सम। तो अगर हमें कोयल स्पेन फैक्टर निकालना हो, तो हमें जो अर्थमेटिक सम और फेजर सम, ये दोनों का पता होना चाहिए। चलो हम बात करते हैं अभी कोयल स्पेन फैक्टर के बारे में। अभी इस स्लाइड में हमने क्या जाना, कोयल स्पेन, दोनों कोयल साइड के बीच का डिस्टेंस, पोल पिच, दोनों क्रमागत पोल्स के सेंट्रल लाइन उनके बीच का डिस्टेंस, फुल पिच कोयल अगर कोयल स्पेन और पोल पिच का मान बराबर हो 180 डिग्री तो फुल पिच, और शॉर्ट पिच जब कोयल स्पेन का मान 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से कम। एक बात आप याद रखना, पोल पिच हमेशा, यहाँ पे जो बात करें हम 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की नहीं, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक मैंने वही बात है कि मान लो कि एक कोयल साइड है जिसका इंड्यूस ईएमएफ ई है, और दूसरी कोयल साइड का इंड्यूस ईएमएफ ई है, दोनों एक अल्फा कोडिंग एंगल, इस को अल्फा को बोलते हैं हम कोडिंग एंगल, तो इस कोडिंग एंगल से हमने क्या किया, इन दोनों को इस दूसरा जो कोयल साइड उसको शिफ्ट कर दिया। फिर हम बात करते हैं कोयल स्पिन फैक्टर, कैसे कोयल स्पिन फैक्टर क्या होता है, एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड इन द कोयल, एक्चुअल वोल्टेज कैसे, जो हमारा फेजर सम है, जो हमने कोडिंग की उस वजह से जो वोल्टेज मिला वो हमारा एक्चुअल वोल्टेज है, और वोल्टेज जनरेटेड इन द कोयल ऑफ स्पेन, जब हमारा फुल पिच हो, या मतलब कोयल स्पेन का मान पोल पिच के बराबर हो, तब वोल्टेज जनरेट क्या होगा, तो तब हमें अर्थमेटिक सम निकालना होता है, कोडिंग कर देते हैं तो हमें फेजर सम निकालना होता है।
तो हमारा के सी कोल्स मैन फैक्टर क्या हो गया, फेजर सम ऑफ वोल्टेज ऑफ टू कोल्स एट जब हमारी शॉर्ट पिच हो, और अर्थमेटिक सम हम कब निकालते हैं, जब हमारा फुल पिच हो। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आप एक चीज़ का याद रखें, जैसे मान लो मेरे को अभी यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, हमारा रिजल्टेंट है ए सी। ठीक है, फेजर सम का रिजल्टेंट क्या है, ए सी। तो ए सी हम यहाँ पे अगर इस पॉइंट से मैं यहाँ पे लंब डालूँ, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पे लंब डालूँ, ठीक है, तो ये ए डी और डी सी दोनों बराबर भागों में बटे हुए हैं, तो हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं हम टू ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ए डी का मान पता हो जाए तो ए सी का मान पता चल जाएगा, कैसे, ए सी क्या होगा टू ए डी, या हम ये लिख सकते टू डी सी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ए डी का मान पता करना है। ठीक है, तो ए डी का मान पता करने के लिए हम एक चीज़ आप याद रखना, किसी त्रिभुज में, ठीक है, अगर ये एंगल अल्फा हो, तो जब ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस अल्फा, और 180 ये एंगल 180 ये एंगल है हमारा 180 माइनस अल्फा। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हो तो हम ये कह सकते हैं ये एंगल अल्फा बाई टू होगा और ये एंगल अल्फा बाई टू होगा। ठीक है, अब हमें क्या होता है, एक चीज़ और आप त्रिभुज में पढ़ी होगी कि ये जो 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, इसके सामने की जो भुजा होती है वो होती है हमारी करण, उसके सामने की भुजा हमेशा करण होती है, और जो ये एंगल होता है इसके सामने की भुजा तुम आप क्या मानते हो, लंब। ठीक है, तो तीसरी भुजा हमारे पास क्या बची, आधार। ठीक है, आधार बची, तो हमें क्या, आधार और करंट का रेशियो निकालना है, किसका, आधार और करंट, यही दोनों हमें पता है, करंट का मान ई और आधार का मान हमें कैलकुलेट करना है, लंब का मान हमें पता नहीं है, तो इन दोनों का रेशियो निकालना, आधार और करंट। और लाल बट्टे कक्का से आपने सुना होगा आधार अपॉन करंट का रेशियो होता है कोस अल्फा बाई टू, ठीक है, या कोस थीटा, चूँकि यहाँ पर एंगल अल्फा बाई टू है तो कोस अल्फा बाई टू, और आधार क्या हुआ ए डी, और हमें कैलकुलेट किसको करना है, ए डी को, तो यहाँ से ए डी क्या हो जाएगा हमारा ए बी इंटू कोस अल्फा बाई टू। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फेजर सम क्या हो गया टू ए डी, तो ये क्या हो जाएगा टू ए बी कोस अल्फा बाई टू। ठीक है, और हमारा अर्थमेटिक सम क्या है, अर्थमेटिक सम ये ए बी ई, और फिर अगर ये भी अर्थमेटिक सम मतलब फुल पिच कोयल, ये भी इधर, तो जो टोटल मिलेगा वो हमें मिलेगा टू ए बी। ठीक है, अगर इसमें ये 2AD बटे 2AB का भाग दूं तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ cos अल्फा बाई टू, तो जो cos अल्फा बाई टू है वो होगा हमारा कोयल स्पेन फैक्टर। ठीक है, निकालने समझ में आ गया, वापस रिपीट करता हूँ, हमें क्या करना है, कोयल स्पेन फैक्टर निकालने के लिए फेजर सम लेना होता है और अर्थमेटिक सम। फेजर सम होता है जब शॉर्ट पिच करते हैं, ठीक है, और अर्थमेटिक सम होता है जब फुल पिच होती है। शॉर्ट पिच करने के लिए, शॉर्ट पिच हो गई तो उसमें हमें क्या होता है, ये रिजल्टेंट निकालना होता है फेजर सम। इसके लिए हमें पता है ए सी यहाँ पे क्या, दो बराबर भागों में बांट लिया ए डी और डी सी, हमें पता है कि जब दो बराबर भागों में बांट लिया तो ए सी बराबर हम टू ए डी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, और हमें मान किसका क्या मान ज्ञात करना है, ए डी का। अगर हमें ए डी का मान पता हो जाए तो हम ए सी का मान यहाँ से बता सकते हैं दो गुना करके ए डी का मान। अब जैसे क्या होता है, तुमने त्रिभुज में पढ़ा होगा ये एंगल अल्फा होता है तो ये 180 माइनस अल्फा होता है, और त्रिभुज के तीनों जो एंगल होते हैं वो टोटल 180 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल अल्फा बाई टू होगा, ये एंगल भी अल्फा बाई टू होगा, और ये जो हमारा एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, उसके सामने की भुजा त्रिभुज के अंदर कर्ण होती है, और इस एंगल के सामने की भुजा लंब होती है, तीसरी भुजा हमारे पास क्या बची, आधार। अब हमें आधार पता है, कर्ण पता है, आधार का मान तो हमें कैलकुलेट करना है, और कर्ण है ई, तो आधार और कर्ण का रेशियो होता है कोस, और थीटा एंगल जो होता है वो होता है कोस अल्फा बाई टू, तो ये हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन ए बी, फिर उसके बाद ए डी बराबर ए डी निकालने के, ए डी इजिकल टू ए बी इंटू कोस अल्फा बाई टू, ये हो गया टू ए डी, तो टू ए बी कोस अल्फा बाई टू। ठीक है, बट्टे यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक सम, अर्थमेटिक सम मतलब फुल पिचिंग, तो ए बी ये, और इसको नीचे रखा तो ये ए बी। ठीक है, तो टू ए बी, अब टू ए बी से टू ए बी भाग गया तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कोस स्पेन फैक्टर क्या बचा, कोस अल्फा बाई टू। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मान लो कि फुल पिच कोयल हो, फुल पिच कोयल में अल्फा का मान कितना होगा, फुल पिच कोयल के अंदर अल्फा का मान होगा 0 डिग्री। फायदे देखते हैं, शॉर्ट पिचिंग या कोयल कोडिंग करते हैं उसका फायदे क्या है। एक बात आपने देखी होगी, अगर मान लो मैं कोयल का पहला साइड इसमें एक नंबर स्लॉट में और फिर 5 नंबर स्लॉट में डालता हूँ, और यहाँ पे मैं 1 नंबर स्लॉट और 4 नंबर स्लॉट में डालता हूँ, तो हमें कम दूरी तय करनी पड़ी,
कम दूरी तय करनी पड़ी, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो, और इसमें 5 नंबर डालने में जो हमें लंबा तार चाहिए, लंबा कंडक्टर चाहिए, और यहाँ पे 1 नंबर और 4 नंबर्स में डालने में हमें तार की रिक्वायरमेंट या कंडक्टर की रिक्वायरमेंट कम हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट पिचिंग से हमें क्या फ़ायदा हुआ, कंडक्टर का मटेरियल है वो हमें कम रिक्वायर पड़ा, कंडक्टर के मटेरियल में की जो आवश्यकता हुई हमें कम, ठीक है, ये पहला फायदा। और दूसरा क्या है, इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिस्टोर्टिंग हार्मोनिक्स। अगर हार्मोनिक्स रिड्यूस हो जाएंगे तो हमारी जो वोल्टेज वेव फॉर्म जनरेट हो रही है वो अप्रोक्सीमेट साइनोसोइडल हो जाएगी, या साइन वेव में बन सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर हार्मोनिक्स को हम एलिमिनेट कैसे करें, तो आप एक चीज़ याद रखना, जो यहाँ पे कोइल स्पिन फैक्टर हम ले रहे हैं कोस अल्फा बाई टू, यहाँ पे इसको एन से मल्टीप्लाई, अगर एन हार्मोनिक्स के लिए करते हैं तो यहाँ एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोस एन अल्फा बाई टू, ठीक है। ये क्या है, कोडिंग एंगल, अल्फा हमारा कोडिंग एंगल, एन हार्मोनिक्स के लिए एन टाइम्स हो जाएगा कोडिंग एंगल, वो हो जाएगा कोस एन अल्फा बाई टू, ठीक है। अब मान लो हमें किसी भी हार्मोनिक्स, जो भी हार्मोनिक्स को, मान लो कि अगर मान लो मेरे को किसी भी हार्मोनिक्स को रिड्यूस करना हो या उसको एलिमिनेट करना हो, तो हम कोस अल्फा बाई टू हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। और ये जीरो कब होगा, जब एन अल्फा बाई टू हमारा 90 डिग्री हो, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर हमारे अल्फा का मान, हमारे अल्फा का मान कितना हो जाए, वो हो जाए 180, ठीक है, ये अल्फा का मान हो जाए 180 बाई एन, तो हम क्या कर सकते हैं, हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, मान लो कि मेरे को फिफ्थ हार्मोनिक्स का मान रिड्यूस करना है, मतलब तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एन का मान कितना रखें, जिस भी हार्मोनिक्स को आपको रिड्यूस करना है उस उतना एन का मान रखो, जैसे फिफ्थ का रिड्यूस करना है तो एन का मान हमने क्या रखा, फाइव रखा, तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना हो जाएगा, अगर आप 180/5 रखते हो तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 36 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम कोडिंग एंगल, या हम ये बोल सकते हैं अल्फा का मान हम 36 डिग्री रख सकते हैं, तो हमारा जो फिफ्थ हार्मोनिक है वो जनरेटेड वोल्टेज वेवफॉर्म में नहीं आएगा, या हम ये कह सकते हैं कि फिफ्थ हार्मोनिक्स कंपोनेंट है जनरेटेड वोल्टेज वेवफॉर्म में वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेवन्थ हार्मोनिक्स के मान को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, एन का मान 7 रखना है, यहाँ से अल्फा का मान कैलकुलेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग हम कोडिंग कर देंगे, ठीक है। तो अभी जैसा कि कोइल स्पैन फैक्टर के बारे में, फिर हमने देखा कोइल स्पैन, पोल पिच, फिर शॉर्ट पिच कोयल, फुल पिच कोयल, फिर शॉर्ट पिचिंग से फ़ायदा क्या है, कैसे किया, और कोडिंग से फ़ायदा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।